Now students, page number 213, question number 1 is the very easy question. Can I draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells? ध्यान दे बच्चों, उन्होंने क्या बोला है? Battery of 3 cells each of 2 volt. मतलब एक बैटरी बनानी है. बैटरी क्या होता है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज. जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बैटरी. क्या सेल्स को पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं? हाँ, कनेक्ट करते हैं. क्लास टेंथ में नहीं पढ़ना है आपको, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, तो उसको छोड़िए. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? थ्री सेल्स लेना है. हर एक सेल कितने का है बच्चों? 2 वोल्ट का है. हर एक सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है? 2 वोल्ट. उनको सीरीज में लगा देना है. अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर थ्री सेल्स हैं, 2 वोल्ट का एक सेल है, तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 3 सेल मिलके? तो जवाब है 2 + 2 + 2, 6 वोल्ट. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. आइए जरा 3 सेल्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या कह रहे हैं ना. तो बच्चों, तो आइए स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं पहले 2 वोल्ट के 3 सेल्स ले लेते हैं, ठीक है ना, और उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में. तो देखिए, एक सेल कैसे बनाते हैं? एक बड़ा सा ऐसे डंडा खींचते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ठीक है ना. तो ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये फर्स्ट सेल लिया हमने, ठीक है ना. ये देखिए, यहाँ पर ये सेकेंड सेल रखा हुआ है, सपोज इसको उठा के लेके आइए और यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए. ये देखिए, तो जब इसको उठा के ऐसे लेके आओगे तो प्लस वाला फर्स्ट सेल के नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव इसका यहाँ आ जाएगा. अब एक और सेल लगाए रखा है ऐसा, उसको लेके आइए तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. यानी कि सेकेंड सेल का जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट सेल के नेगेटिव में, थर्ड सेल का जो पॉजिटिव है वो सेकेंड सेल के नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं. तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन. पैरेलल वाला क्लास ट्वेल्थ में करोगे. अब करना क्या बच्चों? फाइनली हमको यहाँ लिखना होता है क्या? प्लस, और यहाँ लिखना होता है माइनस. बड़े वाले डंडे की तरफ प्लस और यहाँ छोटे वाले की तरफ माइनस. ये सीरीज में थ्री सेल्स कनेक्टेड हो गए. अब ये बैटरी बन गई, सही है. तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से कितना प्रोवाइड कर सकता है? 6 वोल्ट का. तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 6 वोल्ट. 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका और 2 वोल्ट इसका. 3 सेल्स है ना, टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल, है ना. कह रहा है अब 5 ओम रजिस्टर लगाना है बच्चों. कितने कितने ओम का ध्यान से चेक करते हैं. ये देखिए, ये 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया. ये ओम है, ये ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की, ओम. फिर 8 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको? 8 ओम रजिस्टर यहाँ लिखते जाइए. 5 ओम यहाँ लिख दीजिए, 8 ओम, और नेक्स्ट कितना है? एंड अ 12 ओम, एंड अ 12 ओम. और ये जो भी रजिस्टर्स हैं ये कनेक्टेड इन सीरीज हमको दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पैरेलल बोला नहीं तो जनरली. अच्छा, ये बोला भी है आगे, कनेक्टेड इन अ सीरीज. एंड अ प्लग की, प्लग की भी लगानी है बच्चों. तो प्लग की कहाँ लगाएं सर? कहीं पे भी लगा सकते हो प्लग की. यहाँ लगा दो प्लग की. लो, प्लग की का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, ठीक. अभी ये ओपन है और डॉट लगा दोगे तो कैसी हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी. सर क्या ऐसी बनानी है? नहीं भाई, आप ऐसी बना दीजिए. लीजिए, ये ओपन है और इसको इसमें ऐसा टच करा दोगे तो कैसी हो जाएगी? क्लोज. ये लीजिए, क्लोज हो गई. तो जैसा बनाना है बना दो. तो अभी मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर ऐसा सर्कल लगा के यहाँ पर डॉट लगा दिया. यानी कि सर्किट कैसा है? क्लोज. जब सर्किट क्लोज होगा तो इसमें से करंट फ्लो करने लगेगी. प्लस से कहाँ फ्लो करती है? माइनस. तो ये देखिए, करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं. ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये और ये ऐसे आ जाएगी. कोई डाउट है बताइए. सिंपल है. एमीटर और वोल्ट मीटर कुछ लगाने के लिए तो बोला नहीं है, है ना. तो सिंपल यही आपका सर्किट हो गया. ओके, कर लीजिए.